हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2020 शुरू होने में अब काफ़ी कम वक्त रह गया है और आईपीएल की प्रिपरेशंस के लिए ऑलरेडी 6 टीमें यूएई पहुंच चुकी हैं और बाकी की 2 टीमें भी जल्दी से जल्दी यूएई पहुंचने वाली हैं। और इसी तरह से आईपीएल 2020 के लिए हर रोज़ नई अपडेट्स लगातार निकल कर सामने आ रही हैं और अब ऐसी ही एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है जहाँ पर सौरव गांगुली और बीसीसीआई के एक बढ़िया डिसीजन की वजह से 21 फॉरन के प्लेयर्स की आईपीएल 2020 में वापसी हो चुकी है। क्या है ये पूरी खबर, यही सब बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जैसे ही आईपीएल 2020 की डेट अनाउंस हुई थी उसके बाद से ही हमें ये एक्सपेक्टेड था कि कुछ ऐसी इंटरनेशनल सीरीज भी होने वाली हैं जिसकी डेट आईपीएल के शेड्यूल के साथ डायरेक्टली क्लैश करने वाली है। और सबसे बड़ी सीरीज जो आईपीएल के रास्ते में आ गई थी वो थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच की सीरीज जो कि 16 सितंबर को खत्म होने वाली है और आईपीएल 2020 19 सितंबर को स्टार्ट होने वाला है। तो यूएई की गवर्नमेंट की साइड से जो गाइडलाइंस मिली थी सिक्योरिटी को लेकर, उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर 17 तारीख को भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स यूएई के लिए ट्रेवल कर जाते हैं तो भी उनका यहां पर कोविड-19 का टेस्ट होगा, उसके बाद उनको प्रॉपर क्वारंटीन में रखा जाएगा, सिक्योरिटी को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और न्यूज सोर्सेस ने बोला था कि 26 तारीख तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आईपीएल 2020 के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद से ही कुछ बड़ी टीमें थी जिनको काफी तगड़ा झटका लगा था, जिनमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स भरे हुए थे, यानी कि राजस्थान रॉयल्स, उनके तो 4 बड़े के बड़े प्लेयर्स जो थे, बेन स्टोक्स, उनके साथ ही जॉस बटलर, उनके साथ ही जोफ्रा आर्चर, स्टीव स्मिथ और इनके साथ ही आरसीबी, केकेआर और एसआरएच की टीम को काफी बड़ा झटका लगा था क्योंकि इनकी टीम में जो फॉरेन के 4 प्लेयर्स खेलते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ही भरे हुए थे। लेकिन गाइज, अब इसका सॉल्यूशन बीसीसीआई और सौरव गांगुली ने चेंज कर दिया है। उन्होंने बहुत ही यहां पर इंपॉर्टेंट डिसीजन सुनाया है और इसके साथ ही यह भी कंफर्म हो गया है कि अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को कोई भी मैच हो सकता है कि मिस ना करना पड़े। सौरव गांगुली ने यहां पर साफ कर दिया, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो भी हमें सीरीज देखने को मिलेगी उसमें एग्जैक्टली सेम सिक्योरिटी गाइडलाइंस फॉलो होने वाली हैं जो कि हमें आईपीएल 2020 में देखने को मिलेंगी। जो सिक्योरिटी बबल है उसका कॉन्सेप्ट सेम वहां पर भी चल रहा है, कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट में प्लेयर्स यहां पर नहीं रहने वाले हैं और इसके साथ ही प्रॉपर रूल्स के साथ वहां पर भी क्रिकेट होगा। तो ऐसे में जब ये प्लेयर्स ट्रेवल करेंगे यूएई के लिए जो कि ये करने वाले हैं 17 तारीख को, तो वहां आने के बाद इनका डायरेक्टली कोविड-19 का टेस्ट होगा और उसके बाद इनको क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। जैसे ही इनकी कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है वैसे ही इनको खेलने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा और ये डायरेक्टली अपनी अपनी टीम्स को ज्वाइन कर पाएंगे। तो इसकी वजह से जो बड़े बड़े इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर सीधे अब यूएई आ सकते हैं, सीधे वो कोविड-19 का टेस्ट देंगे और उसके साथ ही वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो क्वारंटीन का कॉन्सेप्ट हटने की वजह से अब इन प्लेयर्स की हमें आईपीएल में वापसी देखने को मिलेगी मैच नंबर 1 से ही। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी टीम है जिनको इनसे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। तो ऑब्वियसली राजस्थान रॉयल्स के 4 के 4 फॉरन प्लेयर्स जो भी खेलते हैं वो यहाँ पर वापस आ चुके हैं। इसके साथ ही आरसीबी की बात करें तो उनकी साइड से एरन फिंच, उनके साथ ही केन रिचर्डसन वापस आ चुके हैं। केकेआर की बात की जाए तो उनके लिए भी टॉम बेंटन और इंग्लैंड के कैप्टन ऑयन मॉर्गन वापस आ जाएंगे और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी उनके जो प्राइम ओपनर्स हैं यानी कि डेविड वार्नर और उनके साथ ही जॉनी बैरिस्टो की आईपीएल में वापसी हो जाएगी। तो इन 4 टीमों के लिए जो बड़ी दिक्कतें निकलकर सामने आई थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कर सकते हैं लाइक, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि आपके हिसाब से क्या इन प्लेयर्स को क्वारंटीन में ना रखने का डिसीजन सही है या फिर नहीं। मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।